हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, राम राम जी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो कैसी हो आप, कैसे हो? इसको तो जितना कर आता है हिंदी में उतना तो बोल ही देती है। और फ्रेंड्स, इतनी ज़्यादा ठंड है भाई, आज आपको क्या ही बताऊँ। ये जो इसने मास्क पहन रखा है ना, ठंड से बचने के लिए पहन रखा है। जो है यहाँ का टेम्परेचर -4 डिग्री है और यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ठंड है। और ठंड से बचने के लिए लोग जो है मुंह के ऊपर मास्क पहनते हैं। जब कोरोना नहीं था तब भी पहनते थे सर्दियों के टाइम पे मास्क, ताकि जो है फेस के ऊपर जो ठंड ना लगे। और जो लोग यहाँ मास्क नहीं पहनते हैं सर्दियों के टाइम पे, यहाँ पे तो बिल्कुल लाल हो जाता है भाई मुंह। अभी अभी हम जो है अपना गैस का रिचार्ज करवा के आए हैं। अपने कार्ड के अंदर हमने जो है 294 युआन जो है रिचार्ज करवाया। इस यहाँ पे चाइना में जो है दोस्तों, एक कार्ड मिलता है आपको एटीएम कार्ड की तरह, उसमें रिचार्ज करवाना पड़ता है आपको। और जैसे आपकी गैस ख़त्म होने वाली होती है तो आपका जो गैस का सिस्टम है ना घर पे, वो बीप करना शुरू हो जाता है। 4-5 दिन पहले ही बोल देता है भैया गैस ख़त्म होने वाली है। और दोस्तों, आज जो है हम आपको एक ऐसी गजब की जगह ले जाने वाले हैं, बच्चों के लिए सबसे सूटेबल है। वीडियो को देखना पूरा भैया, मज़ा आएगा दबा के। सो मेरे प्यारे दोस्तों, ये है यहाँ की फंक्शन सिटी की बहुत ही एक्सपेंसिव वाली लाइन। यहाँ पे सबसे बड़े वाले होटल्स, एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट। ये देखो भाई, यहाँ पे रोस्टेड डक मिलती है। ये होते हैं दोस्तों चाइना वालों के बैंक। ये देख सकते हैं यहाँ पे, ये एक बैंक की बिल्डिंग है। यहाँ पे सामने एक लाइन में पूरे बैंक आपको नजर आएंगे। यहाँ पे नॉर्थ चाइना की सबसे बड़ी मुसीबत है, यहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा पड़ती है दोस्तों, ठंड बहुत ज़्यादा पड़ती है। और ये रहा भतीजा आपका अमन, इसको भी हम बहुत मोटे मोटे कपड़े पहना के लाए हैं। खुद भी मोटे कपड़े पहन के आया हूँ भाई मैं। टैक्सी, यहाँ की टैक्सियाँ बहुत सुंदर हैं, बहुत गजब की टैक्सियाँ यार, लग्जरी गाड़ी, एकदम बड़ी लग्जरी वाली गाड़ियाँ। और इसके अंदर ना मतलब स्पेस काफ़ी ज़्यादा है यार। ये वाली गाड़ियाँ बहुत चल रही है आजकल टैक्सियाँ। अरे बहुत हिल हुए हैं। यहाँ पे सीट बेल्ट पहनना भाई कंपलसरी होता है। हाँ, नहीं तो फाइन बहुत तगड़ा होता है भाई यहाँ पे। अब दिखाऊंगा मैं आपको यहाँ से चाइना के स्मूथ वाले रोड। बहुत ज़्यादा डेवलप है भाई, बहुत, मतलब क्या ही बताऊँ यार, कसम। पूरे सड़क में आपको कहीं पे भी खड्डा देखने को नहीं मिलता भाई, इतनी मतलब स्मूथ वाली सड़कें हैं। यहाँ पे आपके साथ फ्रॉड होने का कोई ख़तरा नहीं रहता है भाई। ये देखो भाई, ये मीटर लगा रहता है, इस मीटर के अंदर जितने पैसे बनते हैं आपको सिर्फ वो देने होते हैं। अगर बिल चाहिए तो यहाँ से बाहर निकल आता है। इस मीटर को ड्राइवर जो है छेड़खानी नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पर ये सील लगी रहती है। अमन से हेलो। हेलो, कैसे हो? बस बस बस। द व्हील्स ऑन द बस गो राउंड एंड राउंड, राउंड एंड राउंड, राउंड एंड राउंड। द व्हील्स ऑन द बस गो राउंड एंड राउंड ऑल थ्रू द टाउन। सो मेरे घर से यहाँ तक आने के 22 युआन लगे हैं दोस्तों। पहुंच गए इस वाले मॉल के अंदर। ये सारे ब्रांड्स मिलते हैं दोस्तों, आप देख सकते हैं। हाँ, सारे वाले ब्रांड। ये अमन की ट्रॉली है, इसको बाहर निकालते हैं। सो यहाँ पर हम पहुंच चुके हैं, यहाँ पे मौत की है लुअन, इस जगह का नाम है मौत की है लुअन। तो हम जो है यहाँ पे बैक वाले गेट से अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं। वाओ गाइस, यहाँ पे देखिए टेस्ला के बहुत सारे चार्जिंग पॉइंट आपको देखने को मिलेंगे। ये देखिए सारी टेस्ला की गाड़ियाँ यहाँ पे चार्ज हो रही हैं भाई, क्या गजब है भाई। टेस्ला ने कमाल कर दिया यार, दुनिया में ऐसी ऐसी गाड़ियाँ निकाल के, सारी गाड़ियाँ चार्जिंग पर लगी हुई हैं। ये देखिए स्टारबक्स, इतने बड़े मॉल में स्टारबक्स ना हो पॉसिबल ही नहीं भाई। ये देखिए भाई, मॉल के बाहर झूले लगे पड़े हैं, गाड़ियाँ बच्चों को यहाँ पे लेके आते हैं उनके पेरेंट्स घुमाने के लिए।
काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ यहाँ पे कर सकते हैं। यार ये वाला जो है ना भाई, ये बहुत खतरनाक है। दो बंदे बैठते हैं इसके अंदर, ये उल्टा सीधा घुमाता है भाई। मुझे बोला था एक बार इसको ट्राई करने के लिए, मेरे साथ के लोग थे यहाँ चीन में। मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ ट्राई नहीं करना है जहाँ पे बेइज्जती हो जाए ना। अब यहाँ पे हमने एंट्री कर लिया KFC के अंदर। बाहर बहुत ठंड लग रही थी तो सोचा कि यहाँ पे अंदर आके कुछ खा लेते हैं थोड़ा बहुत, और थोड़ा रेस्ट भी कर लेते हैं। यार यहाँ पे KFC के अंदर ना ये सब मिल जाता है। और दोस्तों ये देखो, ये प्लास्टिक के बने हुए हैं। हाँ, कितना ओरिजिनल दिखता है भाई, कितना ओरिजिनल दिखता है। ये शोपीस है, शोपीस इसको खा नहीं सकते हैं। ये सिर्फ ऊपर की परत जो है ये प्लास्टिक की बनी है, नीचे रबड़ होगा इसके नीचे। कभी कभी यहाँ पे ऑफर निकलते हैं तो ये टॉयज वॉयज सब गिफ्ट दे देते हैं ये लोग। KFC देखो भाई, कुछ खाना है हैं, कुछ खाना है। चलो उधर चलो, इधर चलो, आगे चलो। बहुत फुल रहता है भाई KFC। ये देखो, जब से ये कोरोना ठीक हुआ है ना, तब उसके बाद लोग ऐसे बाहर निकल के आए हैं सारे, मतलब पूछो ही मत यार। जब कोरोना था तो यहाँ पे एक भी बंदा नज़र नहीं आता था। अब देखो यार भाई, इसको देखते हुए तो आपको पता चल ही रहा होगा कि कोरोना जो है यहाँ पे बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। लेट्स गो अमन, जाओ मम्मा के साथ जाओ, चलो गो अंदर। एकदम धका धक भरा पड़ा है भाई। देखो ये यहाँ पे डिसाइड ही नहीं कर पा रही कि इसको खाना है क्या। खाना आ गया, जाओ मम्मा के पास, उधर मैं नीचे, जाओ खाना खा लो, खाना आ गया, गो 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 गो। वाह, हमने अमन के लिए कुछ ब्रेकफास्ट ऑर्डर किया था, हमारा ब्रेकफास्ट आ चुका है। किस किस को KFC खाना पसंद है कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइए। ऐसा लग रहा है ना जैसे कंगारू का बच्चा अमन। आज मैं दिखाता हूँ आपको यहाँ पे iPhone 14 Pro Max, ये है iWatch। तो दोस्तों ये रहेगा स्क्रीन पे, यहाँ पे iPhone 14 Pro Max का प्राइस एंड iPhone 14 Pro का प्राइस, एंड यहाँ पे iPhone 14 Plus का प्राइस है एंड iPhone 14 का प्राइस। आपको इनमें से कौन सा पसंद है और आपके पास कौन सा है कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं। भाई इसकी आंखों में आंसू आ गए, बिल्कुल रोने लग गए, चिपक गया वाला इसको चाहिए। अब यहाँ पे ये लगी हुई है, अब इसकी उम्र ये आई वॉच पहनने की तो है नहीं, अभी कैसे दिला दूँ यार। भाई आई वॉच में ये वाली सबसे बेस्ट है यार। देखो यहाँ पे, ठीक है इसका प्राइस दिखा देता हूँ यार। ये अल्ट्रा है, ये देखो भाई इसका प्राइस देख लो यार आप, यहाँ पे 6,299 yuan की है ये। तो भाई आईफोन में ना, ये आईफोन 14 की जो सीरीज़ है इसमें सबसे बेस्ट ये वाला है यार, आईफोन 14 प्रो। 7,399 yuan का है ये, काफ़ी कंफर्टेबल है, पूरा का पूरा आपके हाथ में आ जाता है, तो काफ़ी कंफर्टेबल है। सबसे बेस्ट मुझे तो यही वाला लगा यार। आपको कौन सा वाला पसंद है कमेंट बॉक्स में लिख के बताना दोस्तों। मम्मा को बोलो मम्मा चलो। तो यहाँ पे इसने एक बार फिर से गोल्ड देखना शुरू कर दिया है। कहीं भी जाना है गोल्ड जरूर देखना अमन के लिए। यहाँ पे गोल्ड का प्राइस वो स्क्रीन पे लिखा हुआ रहता है भाई। जो कार टेस्ला की यहाँ पे 30-40 lakh में मिलेगी, इंडिया में भाई 70-80 lakh मिलती है। एवरेज बहुत अच्छी होती है टेस्ला की गाड़ियाँ यार, क्या मस्त गाड़ियाँ हैं यार। ये सब नए शोरूम यहाँ पे ओपन हुए हैं DJI, जिसके ड्रोन बहुत ख़तरनाक होते हैं। ये देखो वाह यार, ये देखो भाई इनका ड्रोन, ओहो इतना बड़ा ड्रोन है। देखो यार DJI Mavic 3, छोटे बड़े ड्रोन, हर तरीके के ड्रोन आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। ये जो है नया वर्जन कोई आया है। DJI का ये कैमरा बहुत अच्छा है दोस्तों। देखो इसको आप चाहो तो अलग से यूज़ कर सकते हैं, आप चाहो तो इसको ऐसे दोनों को एक साथ लगा के यूज़ कर सकते हैं। वाह ये बहुत बढ़िया है यार। इसकी स्क्रीन देखो, यहाँ पे भी स्क्रीन है, बैक साइड पे स्क्रीन है। और इसका प्राइस आप देखेंगे यहाँ पे, अगर युआन में बात करें तो आपको 3,499 yuan का पड़ेगा। और इसका ये कवर निकाल देंगे ना तो ये और भी छोटा है, बट कवर के साथ भी काफ़ी अच्छा लगता है। मुझे लगता है यार मुझे चेंज करना चाहिए कैमरा, पिक्चर क्वालिटी इसमें सबसे बेस्ट है। और यहाँ पे DJI का माइक भी है इनके पास,
DJI Osmo Action के जो प्रोडक्ट हैं दोस्तों, कमाल के हैं यार, कमाल के। वाह यार, ये स्टिक भी बहुत बढ़िया है, काफ़ी स्टेबल देखने में लग रही है। नहीं हाँ, से कह दो ऐसे हैं, हाँ 800। ये देखो यार, ये स्टिक देखो बहुत स्मूथ है, बहुत ज़्यादा स्मूथ है। एंड देखो लंबी कितनी है भाई, मेरे यहाँ तक पहुँच रही है यार, ये तो मेरे बराबर पहुँच रही है ये स्टिक, इतनी लंबी स्टिक है देखो यार। तो ये दोनों पता नहीं कहाँ गायब हो गए यार। ये देखो मेकअप का सामान देखने में लग गई यहाँ पे। ये देखो भाई, वाइफ को कहीं पे भी लेके जाओ अगर खुश रखना है तो उसको मेकअप का सामान का शॉपिंग बहुत दबा के करा दो, फिर खुश हो जाती है थोड़ी दिनों के लिए, मतलब रिचार्ज हो जाता है उनका। तो ये काफ़ी अच्छी टेक्निक है शादीशुदा लोगों के लिए, जो यहाँ पे मेकअप का सामान खरीद रही है। मैंने कहा थोड़ी फ़ोटो भी ले लेता हूँ क्योंकि थंबनेल पे लगानी होती है ना। ये देखो दोस्तों, चीन में लड़कियों के लिए मेकअप का सामान, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, मॉल पूरा का पूरा लड़कियों के मेकअप के सामान से भरा पड़ा भाई। गो, ये देखिए जी, जापानीज स्टाइल में यहाँ पे रेस्टोरेंट। इनकी वीडियो भी बना लेता हूँ, अमन की वीडियो बना लेता हूँ। अमन हाय करो, नींद लग गई, अभी अभी आया, अभी तो खेलना शुरू भी नहीं किया इसने। यहाँ पे देखो इन्होंने तोते रखे हुए हैं बड़े क्यूट से, तोतू तोतू। वाह, ये देखो भाई इस ब्रिज के ऊपर ऐसा लगता है ना भाई, शीशा टूट रहा है, बिल्कुल 3D वाला बना के रखा है इन्होंने। और इतनी हाइट पे है ना भाई, 5 मंजिल की हाइट पे है। ये देखो कितनी हाइट है, देख लो भाई। तो इधर लेके जाएंगे आज अमन को जानवर दिखाने के लिए। हाँ, ये देखो ऊंट, ये कुछ अजीब किस्म का ऊंट है भाई यहाँ पे। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। वीडियो का पार्ट 2 देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।